सुप्रभात बच्चों, आज के हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग नया रास्ता कहानी का दूसरा वाला भाग देखने वाले हैं, दूसरा चैप्टर देखने जा रहे हैं। आइए, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे शेयर करती हूँ। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर आप उसको कैसे इजिली आंसर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो चैप्टर 2 में जब हम जाएंगे, अध्याय 2 में हम लोग अब ये देख रहे हैं कि दयाराम जी के घर कौन से मेहमान आने वाले थे। तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा है कि मेरठ वालों को मीनू का फोटो पसंद आ गया है, तो नेक्स्ट डे सेकंड लेसन में क्या दिया गया है कि मीनू को देखने के लिए लोग आए हैं। वो कौन लोग हैं? दयाराम जी के घर मेरठ से अमित का परिवार मीनू को देखने के लिए आ रहे थे। तो जैसे मैंने बताया था कि जब शादी होती है तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं कि पहले फोटो दिया जाता है, फोटो अगर पसंद आ गया तो फिर फेस टू फेस लोग देखते हैं। तो ये फेस टू फेस देखने वाला स्टेप हो रहा था शादी के लिए। तो अमित का परिवार, अमित का फैमिली जो है वो मेरठ में रहता है, मेरठ से सब लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं मीरापुर में, जहाँ मीनू का घर है। ठीक है, मीनू के घर में किस प्रकार की तैयारियां चल रही थी? तो जब कोई हमारे घर गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम लोग को बहुत सारी तैयारियां यानी कि प्रिपरेशन करके रखने होते हैं। तो मीनू के घर में कौन सी तैयारियां चल रही थी? मीनू के घर में सारी चीजें झाड़ पोछ कर यथा स्थान पर लगा दी गई थी। सारी चीजें, मैं जितनी भी चीजें जो घर में होती है वो सारी चीजें क्लीन की गई थी झाड़ पोछ कर, और यथास्थान, यथास्थान मतलब है कि सबका अपना अपना एक प्लेस होता है, वो सारी जगह पर लगा दी गई थी। ठीक है, मतलब सब कुछ अरेंज था, कुछ भी इधर उधर नहीं फैला हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मीनू का परिवार जोश और उमंग में क्यों था? तो ये मीनू जो है, मीनू या फिर मीनू का परिवार, ये सब लोग जोश और उमंग में थे, मतलब एक्साइटेड थे। क्यों एक्साइटेड थे? दैट वाज अ क्वेश्चन। तो मीनू का परिवार जोश और उमंग में था क्योंकि सभी लोग अमित के परिवार के आतिथ्य में लगा हुआ था। अतिथि का मतलब क्या होता है? गेस्ट। यहाँ पे आतिथ्य वर्ड आया है, इसका मतलब कि गेस्टिंग में लगे हुए थे। वे किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, मतलब उनके यहाँ जो गेस्ट आए हुए थे, अमित का फैमिली और अमित, तो वो चाहते थे कि उनको हर तरह से अच्छे चीजें दी जाएं, उनका अच्छा अच्छे से मान सम्मान दिया जाए, वो अच्छे से खाना खिलाया जाए, मतलब कोई भी चीज की कमी नहीं हो पाती थी। ठीक है, मीनू किस रंग की साड़ी पहनी थी और वो कैसी दिख रही थी? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब मीनू को दिखाया जाने वाला था तो मीनू ने साड़ी पहनी थी, तो वो किस रंग की साड़ी पहनी थी और वो कैसी लग रही थी साड़ी में? तो मीनू गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और वो बहुत सुंदर दिख रही थी। तो जब लड़कियां जब साड़ी पहनती हैं और थोड़ा सा मेकअप कर लेती हैं तो उससे क्या होता है, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगती हैं। मीनू की रुचि किसमें थी? तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनू जो है उसकी रुचि यानी कि उसका इंटरेस्ट किस किस चीज में है? ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाता है अमित के द्वारा। तो अमित ने जब ये पूछा तो मीनू ने क्या जवाब दिया? मीनू की रुचि सिलाई, बुनाई, पढ़ाई, खाना बनाना, पेंटिंग आदि में थी। तो ये सारे जो वर्ड, सिलाई मतलब सिविंग करना, बुनाई यानी कि निटिंग वगैरह, स्वेटर्स बनाना, कढ़ाई यानी कि जो हम लोग थ्रेड वर्क वगैरह करते हैं, एंड देन खाना बनाना, कुकिंग और पेंटिंग, ये सारी चीजों में इसकी इंटरेस्ट थी। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्या मीनू को संयुक्त परिवार में रहना पसंद था? तो अब क्वेश्चन पूछा गया अमित के द्वारा कि क्या तुम संयुक्त परिवार में यानी कि ज्वाइंट फैमिली में रहोगी? मेरा तो एक बड़ा फैमिली है, तो क्या मेरे साथ तुम उस तरह से फैमिली के साथ रहना चाहोगी? तो मीनू कहती है हाँ, मीनू को संयुक्त परिवार में रहना पसंद है। मेहमानों के सामने
कौन बचकानी हरकत कर रहा था? तो अब क्वेश्चन, मेहमान कौन है? अमित और अमित के फैमिली। उनके सामने कौन वो पर्सन था जो बचकानी बचकानी मतलब चाइल्डिश जैसा बिहेवियर कर रहा था? तो मेहमानों के सामने आशा बचकानी हरकत कर रही थी। तो आशा एक्चुअली छोटी थी, तो वो थोड़े बच्चे जैसे बिहेव कर रही थी। ठीक है, माँ ने आशा को अंदर बैठने के लिए क्यों कहा? तो माँ जो है, माँ यानी कि मीनू की माँ या आशा की माँ, उन्होंने कहा आशा तुम अंदर जाकर बैठ जाओ। तो जब माँ को लगा कि कहीं मेहमान आशा को ना पसंद कर ले, तब माँ ने आशा को अंदर बैठने के लिए कहा। ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आशा जब बचकानी हरकत कर रही थी, मतलब चाइल्डिश बातें कर रही थी, तो माँ को लगा कि आशा जो है सुंदर है ज्यादा देखने में, तो कहीं अमित और अमित के फैमिली उसको ना पसंद कर ले। लेकिन यहाँ पे तो किसे दिखाया जा रहा था? यहाँ पे दिखाया जा रहा था मीनू को। तो मीनू से शादी होना मतलब सही होता उस टाइम के लिए। तो माँ जो है ये सभी चीजें सोचकर वो आशा को कहती है कि तुम अंदर चले जाओ। इस पर आशा की क्या प्रतिक्रिया होती है? प्रतिक्रिया मतलब पता है रिएक्शन। तो जैसे ही माँ कहती है कि तुम अंदर चली जाओ, तो आशा का रिएक्शन क्या था? इस पर आशा को समझ नहीं आया। आशा समझ नहीं पाई, वो छोटी थी बच्ची थी, तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर माँ मुझे ऐसा क्यों कह रही है। ठीक है, उसे लगा कि मैं यहाँ पे बैठकर सभी से बातें कर रही हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्या गलत कर दिया? ओके मीनू के रिश्ते के लिए माया राम जी ने क्या कहा? तो जब ये लड़की दिखाने का जब कार्यक्रम चल रहा था, तो माया राम जी जो है मीनू के रिश्ते के लिए, माया राम जी ने क्या आंसर दिया? तो मीनू के जो पिता थे दयाराम जी, उन्होंने कहा कि आपको कैसी लगी हमारी लड़की मीनू? तो उन्होंने कहा मीनू के रिश्ते के लिए माया राम जी ने कहा कि वो घर जाकर फैसला करेंगे और पत्र लिखेंगे। तो पहले टेलीफोन वगैरह नहीं होता था, मोबाइल्स नहीं होते थे कि व्हाट्सएप कर देंगे या कॉल करेंगे। उस टाइम पे पत्र लिखा जाता था जिसमें रिप्लाई होता था, क्वेश्चन होता था। तो इन्होंने कहा कि हम लोग घर जाएंगे, अभी हम लोग आंसर नहीं देंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे। जब हम लोग घर जाएंगे तो घर में सब लोग साथ में बैठकर डिस्कस करेंगे और फिर पत्र लिखकर आपको बता देंगे कि हमको मीनू पसंद आई है या नहीं। ठीक है बच्चे, मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।